एट पर देखें लैंग्वेज वर्क फ्रेमिंग क्वेश्चन टू फिट आंसर्स समटाइम्स वी आर आस्किंग टू फ्रेम क्वेश्चन टू फिट आंसर फॉर इंस्टेंट लुक एट दी फॉलोइंग आप देखें यहाँ पर बुक्स पे दिए हुए हैं आई मेट मुनीर इन दी मॉर्निंग इसका क्वेश्चन बनाना है व्हेन डिड यू मीट मुनीर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इसका क्वेश्चन बनाना है व्हाट आर दी चिल्ड्रन प्लेइंग ठीक है इसी तरह से यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज दी हुई है राइट क्वेश्चन टू विच द फॉलोइंग आंसर में फिट द क्वेश्चन में फ्रेम शुड बी रिलेटेड टू द अंडरलाइन वर्ड्स देखो आप अपनी किताब पर पेज नंबर 88 पर देखें आप यहाँ पर क्वेश्चन है पहला समबॉडी हैज टर्नड ऑफ द टीवी समबॉडी जो है उसको अंडरलाइन किया गया है क्या किया हुआ है इसको देखो आप अंडरलाइन किया हुआ है तो ये अंडरलाइन जिस चीज को की हुई है जिस वर्ड को उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाना है जिस भी वर्ड को यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है उसी के रिलेटेड यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पर पहला आंसर इन्होंने दिया है समबॉडी हैज टर्नड ऑफ द टीवी क्वेश्चन इसका क्वेश्चन बनाना है हु हैज टर्न ऑफ द टीवी अब दूसरा पार्ट है We normally get up at 5 AM. 5 AM को अंडरलाइन किया हुआ है तो इसी के रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाना है तो When did you get up? इसका क्वेश्चन है When did you get up? There are 100 students in our class. 100 को अंडरलाइन किया हुआ है How many students are there in your class? इसी तरह से है नंबर 4. The boys were playing football. फुटबॉल को अंडरलाइन किया हुआ है What were the boys playing? Part number 5. The beggar is asking for money. Money को underline किया हुआ है. What is the beggar asking for? Question number 6 है. My school is only 1 kilometer from my home. 1 kilometer को underline किया हुआ है. तो इसका question बनेगा. How far is your school from your home? सातवां part है. Her mother is a doctor. Doctor को underline किया हुआ है. What is her mother? आठवां पार्ट है I am buying novels for my sister. Novels को अंडरलाइन किया हुआ है तो आठवां क्वेश्चन है What are you buying for your sister? अब नौवां पार्ट है We go every summer to some hill station. Every summer को अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों तो इसका क्वेश्चन बनेगा When do you go to hill station? अब लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 10 She goes to her office by her car. By her car को अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका क्वेश्चन बनेगा How does she go to her office? तो बच्चों ये थे आपकी ये जो क्या बोलते हैं इसको स्टोरी है पेंगोंग सो इसके टेक्स्टुअल क्वेश्चन भी हमने किए और लैंग्वेज वर्क भी हमने किया तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका ग्रामर वर्क करना है तो आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए